नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के मऊ जनपद में कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने वैन में मौजूद कर्मचारियों से कई सामग्रियों को जांच कराया, जिसमें कई पास तो कई फेल साबित हुए। इस अवसर पर डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने लोगों से आग्रह किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जांच कराएं, साथ ही साथ वे मिठाइयां और अन्य सामानों को स्वयं से जांच परख कर खरीदने की बात कही। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। मेन पॉइंट सर यही है, देखिएगा इसको डिसअपीयर हो गया सर। वो इसमें सर मैंने पानी डाला था उसको, सर ये हमेशा ऐसे रहेगा और इसमें बहुत ज्यादा रंग पड़ा हुआ है सर। बढ़िया देखो सर आ गया, ये वही कलर है सर जिससे कपड़ा रंगा जाता है और सेम प्रोसेस होगा इसमें भी सर, ये कलर आ जाएगा और हम सभी घर घर लोग बीमार पड़ रहे हैं। और सर जो ओपिनियन आते हैं सर वही मैगी का जो कपड़ा था सर जो वो लगी थी धारा वही इस पर भी लगती है। भिंडी परवल तो उससे रंगते हैं आजकल वो कापर सब चाहिए तो इसमें फांसी की सजा है सर। 6 महीने की शरीर सब चल रहा धंधा पार्लियामेंट में सर हल्दी भी हमारे लैब में गई थी, ये मैं ले आया हूँ सर दिखाने के लिए। इस हल्दी में सर रंग पड़ा हुआ है जी जी। ले यार उसे भी रंग है सर, हाँ उसमें भी निकल रहा है वो भी सर, और उसमें भी सर जो कलर आ रहा है उसमें बेसन में वो भी अखा दे रखे है, वो भी लाल मिर्च में मिक्स पीस देते हैं। अब यही होता है सर जैसे थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला और अच्छा सा कलर आया तो सब समझते हैं हल्दी बहुत अच्छी है जबकि कलर उसमें होता है। दूसरा अच्छी वाली हल्दी दी थी जाहिर जी सर, घर में चीजें उत्पन्न करें, अपने खेतों में बोएं, अपने खेत का उत्पाद खाएं, अपने वो दूध अपना घर का जानवर पाले, खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट से जहां ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा खेतों में, साथ में शुद्ध दूध खोआ आप उसकी बनी हुई घर की मिठाइयाँ जो पहले पारंपरिक रूप से परिवार में हम लोग खाते थे, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। अब चाहता हूं कि यह मुहिम समस्त मीडिया के माध्यम से इस जिले में चले और भारत सरकार का भी राज्य सरकार का भी यही है अनुरोध, सही खाएं, ईट राइट मूवमेंट जो चल रहा है, क्योंकि आदमी जब स्वस्थ शुद्ध भोजन खाएगा निश्चित रूप से वह स्वस्थ होगा, उसका परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा। आज 70% ज्यादा लोग विभिन्न रोगों के कारण इस तरह से मिलावटी खाद्य पदार्थ का जो सेवन कर लेते हैं भयानक बीमारियों का शिकार होते हैं। आप सबके माध्यम से यह एक अपील भी है, यह संदेश पूरे समाज में जाए, सब लोग इसको जाने और समझें, जो भी आप लोगों ने देखा इसके बारे में और विस्तार से लोग बताएं। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।